बहुत अच्छी जर्नी रही है और 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिया, टच वुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये भी एक अचीवमेंट है कि हमने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए और हम 100+ एपिसोड शूट कर रहे हैं। और जर्नी बहुत अच्छी रही है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली वाइब बहुत अच्छी है सेट की, तो बहुत फैंटास्टिक जर्नी, बहुत पॉजिटिव वाइब, बहुत पॉजिटिव रही है, एंड हमें दिख गया जितनी हमने हार्ड वर्क की है उतना उसका फल मिल रहा है। yes. तो अब एक मोटिवेशन मिल गई है कि और करें और एप्रिसिएशन। ओके, कितना मेहनत किया आपने? सबने बहुत किया है, आई मीन ये एक टीम वर्क है। जैसे अगर सिर्फ एक्टर्स पे होता तो आई गेस वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ना ही हम वो बोलना चाहेंगे कभी, बिकॉज राइटर्स है, डायरेक्टर का हमारा इमेजिनेशन है, तो वो जैसे एक सीन को सोचते हैं, फिर हमारे साथ डिस्कशन होता है, देन हम अपने इनपुट्स देते हैं, वैसे ही एक टीम वर्क के थ्रू ये पॉसिबल होती है। और मुझे लगता है कि अगर ऑडियंस को यू नो हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारा शो पसंद आ रहा है, तो वो मेहनत ही है उसके पीछे। हर एक इंसान की मेहनत है, एक्टर की मेहनत है, डायरेक्टर की मेहनत है, हमारे डीओपीज की मेहनत है, हमें सुंदर दिखाने के लिए स्पॉट दादा की मेहनत है, जो पानी ज्यादा पानी पिला दो, पानी पिला दो हम एक्ट कर पाते हैं, तो ये सबकी मेहनत है, उसके बाद जो ये रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। एवरी डे इज अ गुड मोमेंट, बिकॉज आई डोंट थिंक जब से हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग तब से कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है जिससे मुझे ऐसा लगे कि आज का दिन यार अच्छा नहीं हुआ, या आज मैंने अपना 100% नहीं दिया, बिकॉज इधर पीपल मेक श्योर कि आप लोग अपना 100% दो और फिर हमें भी मोटिवेशन मिल जाती है, और और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई एक्टर किसी दूसरे एक्टर को कोई सजेशन देता है, बिकॉज वो सीनियर है और उन्होंने ज्यादा काम किया हुआ है, तो कोई दिल पे नहीं लेता कि आप क्यों बता रहे हो, वी नो इट ऑल वाला एटीट्यूड यहाँ किसी का नहीं। आपकी मॉम का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है, उनसे क्या सीखा? उनसे आई मीन पहला तो वो ऑफ द स्क्रीन में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और वो हमारे लिए ब्राउनीज लेकर आता है, शेफ है वो, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप लोग हमें देखेंगे कि हम एकदम फूले हुए स्क्रीन पे, तो आप समझ जाना कि वो उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो बहुत टेस्टी ब्राउनीज बनाते हैं और सुशी भी बनाती हैं और भी बहुत अच्छा अच्छा खाना लेकर आती हैं। और एज अ कैरेक्टर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से उनका अपने बेटे से प्यार है, आई गेस वो बहुत स्पेशल है और वो हर माँ का। थैंक यू, एंड लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वी लव यू गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस, एंड आप भी जैसी प्यार दिखाते रहिए और हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।